लालगंज में आयोजित नमो प्रदर्शनी का बीजेपी जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय की उपस्थिति में राजेंद्र सिंह खन्ना ने फीता काट कर किया उद्घाटन। लालगंज में आयोजित नमो प्रदर्शनी का भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय की उपस्थिति में आज सोमवार को वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह खन्ना ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृतित्व व्यक्तित्व पर आधारित तहसील प्रांगण कैंटीन हाल में आयोजित नमो प्रदर्शनी में जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्तित्व का दूसरा पीएम देश को मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में COVID-19 महामारी के विरुद्ध वैक्सीनेशन आदि जैसे काम उनके महान व्यक्तित्व की गवाही देते हैं। सोलर प्लांट को वरीयता दी गई जिससे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा मिल सके। वाराणसी में काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। उनके नेतृत्व में शिक्षा के विकास को काफी बढ़ावा दिया गया। मैत्री पहल के माध्यम से 101 देशों में कोविड वैक्सीन भेजी गई। 215 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन किया गया। एयरपोर्ट जैसे आधुनिक बस स्टेशन बनवाए गए। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री जी द्वारा बढ़ावा दिया गया है। शैक्षणिक रूप से हर नौकरी में उनकी हिस्सेदारी, सेना में भी अब औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देश का मान सम्मान प्रधानमंत्री ने काफी बढ़ाया है। टीकाकरण में एक इतिहास रचा गया है। उन्होंने कहा कि देश में विदेशियों को भी मदद दी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विश्व में अग्रणी बना हुआ है। इस मौके पर सर्वेश राय, योगेश सिंह, रजनीकांत त्रिपाठी, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, संतोष सिंह, मंडल उपाध्यक्ष प्रमोद सरोज, शिवसागर बर्नवाल सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सारे लोग जान रहे हैं कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूज्य बापू के जन्म जयंती तक ये भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और देश के आधुनिक शिल्पी नरेंद्र मोदी जी का भी 17 सितंबर को ही जन्मदिन है। उनके जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक आज ये प्रदर्शनी नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित उन्होंने देश में प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सोच क्या रही, उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या क्या किए, उनका कृत्य क्या रहा, मंच पर खड़े व्यक्ति को किस तरह से समाज के मुख्य धारा से जोड़ के उनकी स्थिति को बेहतर बनाने की जो सोच है, चाहे वो हमारी बेटियां हो, बेटियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारी देश की बेटियाँ सीमा की सुरक्षा कर रही हैं, देश की सुरक्षा कर रही, हम सब की सुरक्षा कर रही। उनका यही जब स्लोगन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को जो सुविधा देना चाह रहे हैं गरीबों को, वहीं दिल्ली में बैठे हुए एक क्लिक पर उनके सीधे खाते में देश की सारी सुविधाएं पहुंचने का काम हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें उनके कृतित्व पर आज यह सब प्रदर्शनी लगी है।